गौरी चैनल की वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप मेरे हर लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और संडे का दिन मैं कोई स्पेशल बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज चिकन बनाने वाली हूँ, तो चिकन फ्राई और करी बनाने वाली हूँ। करी की जो रेसिपी है वो मैंने पहले भी शेयर की हुई, उसकी लिंक मैं या तो फिर आई बटन पे दे दूँगी। और आज मैं फ्राई की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा चिकन मंगाया था, तो हाफ ऑफ करके मैंने एक करी के लिए निकाला है और एक फ्राई के लिए निकाला है। तो पहले मैं करी का पका लूँगी। करी का मैं पहले पका लेती हूँ क्योंकि उसे टाइम लगता है थोड़ा ज़्यादा। और जो करी के लिए मैं चिकन पका रही हूँ वो बहुत सिंपल से पकाऊँगी। उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी तेल में, और हल्दी और नमक डाल के उसे पहले सॉटे कर लूँगी। उसके बाद उसमें पानी डाल के उसकी 3 सीटियाँ कर लूँगी, और पकने के बाद में उसे मसाले का तड़का दूँगी, जो पिसा हुआ मसाला होता है वो। तो अभी तेल में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। तो इसी तरह से सिंपल से मैं पहले पका लेती हूँ चिकन को, और जो पकाया हुआ पानी होता है वो मीठा पानी, नमक का पानी, वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो उसमें से मैं थोड़ा सा बनवा के लिए निकाल के रखती हूँ और राइस के साथ वो खाती है। और बाकी का जो होता है वो उसे मैं मसाले का पेस्ट डाल के उसे तीखा बनाती हूँ। तो साथ ही साथ में मैंने राइस का भी कुकर लगा दिया है, और ये जो है मैंने मैरिनेशन की तैयारी कर ली है फ्राई चिकन के लिए। तो यहाँ पर ये मैरिनेशन के लिए मैंने चिकन लिया है जो हम फ्राई बनाने वाली है। तो उसमें मैंने दही डाला है, तो आप घर का जमाया हुआ दही भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें शुगर नहीं होनी चाहिए। और ये है अदरक लहसुन की पेस्ट 2 चम्मच, और अभी इसमें सारे सूखे मसाले डालेंगे। उसमें आता है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर। तो रेड चिली पाउडर जो है वो अपने हिसाब से आप डालिएगा कि कितना तीखा आपको पसंद है।
अपने हिसाब से रेड चिली पाउडर डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके बाद में हम इसमें गरम मसाला डालने वाले हैं, इसलिए रेड चिली पाउडर थोड़ा ध्यान से डालना। तो अभी मैं इसमें चिकन मसाला डाल रही हूँ, इसमें गरम मसाला रहता है, तो आप चाहे तो अलग से जो गरम मसाला मिलता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये चिकन मसाला है मेरे पास तो मैं यही डालूँगी, 2 से 3 चम्मच। और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें मैंने थोड़ा सा 1 पिंच फूड कलर डाला है लाल कलर आने के लिए तंदूरी को। अभी मैं इसे 1/2 से 1.5 घंटा फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो हमने चिकन पकाने के लिए रखा था वो भी तैयार है, उसकी भी 3 सीटियाँ हो गई है और राइस भी तैयार है। तो दोनों कुकर को मैं साइड में रख दूँगी और अभी रोटियां बना लेनी है और करी बनानी है, तो उसकी तैयारी कर लूँगी। और सबसे आखिर में जो मैरिनेट करने के लिए चिकन रखा है उसे फ्राई करूँगी, तब तक वो अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए 1/2 घंटे के लिए छोड़ दिया है। और करी के लिए ये जो मैंने सिंपल सा चिकन है बॉईल पकाया हुआ है प्रेशर कुकर में, यहाँ पर राइस रेडी है, तो मैं अभी रोटियाँ बना लूँगी। तो इसकी जब बाफ चली जाएगी तो इसको हम तड़का देंगे। और हमारे यहाँ इस तरह का जो मसाला का पेस्ट है वो बनाया जाता है, तो उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए चिकन करी के लिए तो मैं ऊपर आई बटन पे दे दूँगी या तो फिर लिंक दे दूँगी नीचे, तो आप देख लेना। तो चलिए अभी फटाफट से रोटियाँ पहले बना लेती हूँ।
तो ये करी के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो जो हमने बॉईल किया हुआ प्रेशर कुकर में पकाया हुआ चिकन है उसे मैं देख रही थी, तो अच्छे से पक गया है। और अब इसमें मैं मसाले का पेस्ट डालूंगी ऑयल में। इसके अलावा मैं अभी कुछ भी नहीं डालूंगी क्योंकि नमक हल्दी वगैरह सब कुछ हमने बॉईल करते समय डाला था। तो इसे अच्छे से फ्राई करके इसमें सारा चिकन और पानी डाल दूंगी। और अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें गरम मसाला या चिकन मसाला ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ही नमक डाला है मसाले के लिए, क्योंकि हमने जो पकाते समय पानी में नमक डाला था तो ज़्यादा नमक हो जाएगा, इस वजह से ये ध्यान में रख के ही हमें नमक डालना चाहिए। और जो चिकन मसाला मैंने डाला है वो एवरेस्ट का है, आप कोई भी ब्रांड का चिकन मसाला यूज़ कर सकते हो या तो फिर अवॉइड भी कर सकते हो, आपकी टेस्ट पर डिपेंड करता है ये। और अगर आपको ये जो मैंने मसाले का पेस्ट बनाया है उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसके पहले भी मैंने एक चिकन मटन की रेसिपी शेयर की हुई है, उसमें भी आपको मसाले की रेसिपी मिल जाएगी, तो वो मैं लिंक दे दूँगी। तो ये सारा पानी पकाया हुआ और चिकन मैंने इसमें डाल दिया है, और इसमें से थोड़ा सा मैं मनवा के लिए रखूँगी, मीठा वाला जो पकाया हुआ पानी है वो उसमें राइस डाल के उसे खिलाऊँगी। और इसे अब एक उबाल आने तक मैं रखूँगी 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर, तब हमारी करी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और अभी मनवा को भी भूख लगी है तो उसको मैं पहले खाना खिला देती हूँ, उसके बाद में जो मैरिनेशन वाला चिकन है वो निकाल लूँगी। मैरिनेशन वाला चिकन मैंने निकाल लिया है पैन में, मैंने थोड़ा सा ही ऑयल लिया है 2 चम्मच, और इसमें ये मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन डाल दूंगी। इसे 15 मिनट तक अच्छे से पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, तो दोनों साइड से अच्छे से ढक के इसे पकाना है। ऐसे पूरा पानी अब्जॉर्ब हो गया है तो अभी ये बिल्कुल तैयार है। इसे मैं तंदूरी के जैसे स्वाद आने के लिए गैस पे ही रोस्ट करूंगी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेथड। तो इस तरह से चिमटे के सहायता से हम गैस पे इसे तंदूरी का फ्लेवर ला सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, या तो फिर जो हम रोटी के लिए या पापड़ रोस्ट करने के लिए जो जाली यूज़ करते हैं गैस के ऊपर रखने के लिए, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पहली बार कर रहे हैं उनको ध्यान से करना चाहिए, केयरफुली करना चाहिए, मुझे इसकी आदत है इसलिए मैं
अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन इसके जो छींटे हैं वो उड़ते हैं, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई हानि ना हो। तो इस तरह से जो रोस्ट करने से बहुत अच्छा स्वाद आता है चिकन को, तो आप चाहे तो मतलब जिसको जैसा पसंद है उस हिसाब से आप इसे जला सकते हैं। किसी को कम ज़्यादा पसंद होता है, तो मैं इस तरह से मीडियम ही इसे रोस्ट करती हूँ। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन करते समय थोड़ा केयरफुली करिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारा जो चिकन है वो तैयार है। आप लेग पीस का बनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा भी और दिखेगा भी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरा चैनल पसंद आता हो तो ज़रूर मुझे लाइक करना ना भूलिएगा, और आज की भी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहीं पर मैं मेरा वीडियो ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।